ये भी देना। राजू नामो अर्पिता उपसरपंच जाति खबर देवगढ़ से है, जहां पर उप सरपंच बने सरपंच साहब, हो गई बल्ले बल्ले। देखिए पूरी जानकारी के साथ आपको बताते हैं। बांसवाड़ा जिले के देवगढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत उप सरपंच राजू डिडोर को सरपंच पद की शपथ दिलाई गई तो राजू साहब खुश हो गए। ग्राम पंचायत भवन में उन्होंने शपथ ली। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, ग्राम सेवक, जनप्रतिनिधि व अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। उप सरपंच से राजू डिंडोर सरपंच बने तो उनका चेहरा खिल उठा। समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर एवं साफा बांधकर उनका स्वागत सम्मान भी किया। इसी के साथ ही हम आपको जानकारी देते हुए बता दें कि यह कैसे हो गया, उप सरपंच को कैसे सरपंच बनाया गया, तो सुनिए। जिला परिषद के आदेश अनुसार सरपंच पद के लिए शपथ इन्हें दिलाई गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि देवगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच पर प्रशासन गांव के संग अभियान 2022 में आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने की एवज में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 18 जून 2022 को कार्रवाई करते हुए सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया था। इस मामले को लेकर उन्हें सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया था। शंभूलाल डिंडोर को निलंबित होने के बाद में उप सरपंच राजू डोडियार को चार्ज दिया गया है और उन्हें ग्राम पंचायत का सरपंच बनाया गया है, जिसको लेकर आज उन्हें शपथ दिलाई गई है। तो राजू जी की बल्ले बल्ले हो गई। उनके समर्थक एवं वार्ड पंच व अन्य ग्रामीणों का भी ग्राम पंचायत में मौजूद रहे। राजू ने आम जनता का आभार व्यक्त किया। सभी ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया और सरपंच पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें बधाइयां भी दी।